नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकेट्स के कॉन्सेप्ट्स पर, बात करेंगे रिकेट्स होता क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। रिकेट्स एक ऐसी समस्या जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है सनलाइट से। सनलाइट हमारे स्किन में पाए जाने वाले 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसे विटामिन D3 कहते हैं, लेकिन अभी भी ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। कोलीकैल्सिफेरॉल लीवर में पहुंचता है और लीवर में कोलीकैल्सिफेरॉल का हाइड्रोक्सिलेशन होता है, यानी कोलीकैल्सिफेरॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किए जाएंगे। तो ये स्किन का पाथ रहा जिसके बारे में हम ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं। 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल और ये लीवर में पहुंच करके कोलीकैल्सिफेरॉल का हाइड्रोक्सिलेशन होगा। इसी तरीके से हमारे फूड के सोर्सेज भी डायरेक्ट, जैसे आप समझ सकते हैं हमने डायरेक्ट फिश या मीट खाया तो उसमें भी विटामिन D3 होगा, तो यहां से डायरेक्टली इनटेक होता है। इसी तरीके से प्लांट सोर्सेस से भी हमें विटामिन डी मिलता है। प्लांट के सोर्सेस से अर्गोस्टेराल प्राप्त होता है। खैर, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लें कि यहां पर लीवर में पहुंचा है कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल दूसरे रूट से भी डायरेक्टली मिल सकता है और ये कोलीकैल्सिफेरॉल लीवर में हाइड्रोक्सिलेशन के बाद 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में बदलता है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसे विटामिन D3 कहते थे, अब वो विटामिन D3 तो है लेकिन उसमें 25th पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के बाद एक बार और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन वो किडनी में जुड़ेगा। तो किडनी में इसके ऐड होने के बाद ये बनता है, फर्स्ट पोजीशन पर एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है, जिसके बाद 125th डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है और यह कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब तक जितनी भी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया उसको एक बार हम यहां पर रिकॉल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि विटामिन डी को बनाने के लिए बेसिकली 3 पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें एक पार्ट स्किन का है, दूसरा पार्ट लीवर का है, तीसरा पार्ट किडनी का है। यहां पर ले दे करके अल्टीमेटली कोलीकैल्सिफेरॉल बनाया जाता है। कोलीकैल्सिफेरॉल आप समझ सकते हैं यहां बना और उसके बाद यहां पर 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा जाता है। किडनी में पहुंचने के बाद फर्स्ट और 25th दोनों ही पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किए जाते हैं। इसके जुड़ने के बाद ये एक्टिव फॉर्म होता है जो कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। एक्चुअल में 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरॉल ये विटामिन D3 या जिसे कोलेस्टेरॉल कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट के सोर्स से मिलने वाले एर्गोस्टेरॉल विटामिन D2 कहलाते हैं। लीवर में जब ये कोलीकैल्सिफेरॉल पहुंचता है तो यहां पर OH ग्रुप ऐड किया जाता है, वही OH ग्रुप जिसको मैंने बताया था, जिसके ऐड होने के बाद 25th हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बन जाता है। तो इसको नाम दिया गया विटामिन D3, आप समझ सकते हैं, और इसको ऐड करते ही इसका नाम क्या हो गया, 25th OH विटामिन D3। किडनी में पहुंचने के बाद फर्स्ट पोजीशन पर भी OH ग्रुप ऐड होगा, जिसके बाद इसका नाम हो जाएगा 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। अब ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है जिसकी बेहद जरूरत होती है। आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर ये ना बने तो किसी काम का नहीं मामला। इसका बनना बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक ये एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगा तब तक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो सकेगा। चाहे जितना कोलीकैल्सिफेरॉल हो, चाहे जितना 25th हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल हो, लेकिन अगर ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में नहीं बदला तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है टर्मिनल स्टेप का, जो स्टेरॉयड हार्मोन है विटामिन D3 उसका। यहां पर याद रखिएगा, कई बार अगर
फर्स्ट पोजीशन की बजाय, यहाँ फर्स्ट पोजीशन का भी अपना इंपॉर्टेंस है, पहले 25th पोजीशन के बाद फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ना OH ग्रुप का जरूरी है। अगर ये 25th पोजीशन पर जुड़े तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बन जाता है। तो ये एरर की वजह से ऐसा होगा या फिर ऐसा फॉर्म होगा जिसको बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं यूवी लाइट ने किया क्या। उसने प्री विटामिन D3 को विटामिन D3 में बदला। आप समझ सकते हैं ना, विटामिन D3 जिसे हमने कोलिकैल्सिफेरॉल कहा है, वह कोलिकैल्सिफेरॉल 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कराता है, जिसके बाद ये विटामिन D3 25th OH कहलाता है। आप समझ सकते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बाद एक किडनी में पहुंचा, किडनी में पहुंचने के बाद एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाने के बाद 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है। इसके बनते ही ये जब एक्टिव फॉर्म बना तो इसने विटामिन डी रिसेप्टर्स को एक्टिव कर दिया। इस पूरे स्टेप्स को अगर हम समझे रहेंगे तो आगे बहुत सारी मदद मिलेगी विटामिन डी के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को समझने में। ये सारे के सारे स्टेप्स बेहद जरूरी हैं। यहाँ पर ये विटामिन डी रिसेप्टर्स का एक्टिव होना क्यों जरूरी है इसको भी अभी आगे हम चर्चा करेंगे, और इसकी वजह से जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे स्टेप्स को एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। 7-dehydroxycholesterol सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल में बदल जाता है। तो यहां डाइट से जो भी मिलेंगे या फिर सनलाइट में जो हमारे स्किन की भीतर पाए जाने वाले 7-dehydrocholesterol होते हैं, वो विटामिन D3, इसी को हम कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसी में लगातार हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता जाएगा, नाम बदलता जाएगा, जैसे 25-hydroxy विटामिन D3, यानी विटामिन D3 की जगह आप कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते रहेंगे तो नाम आगे बदलता जाएगा। ये कन्वर्जन लीवर में होता है और लीवर इसके लिए हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रखता है। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से इसका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, एक बार और हाइड्रोक्सिलेशन होगा किडनी में। यहां इसको 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कहेंगे। यह एक्टिव फॉर्म है और यह अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो तमाम तरीके के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसी में खास है रिकेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो इसकी वजह से रिकेट्स होगा। हालांकि रिकेट्स के होने के और भी चांसेस हैं कि ये बन भी जाए, इसके बावजूद अगर ये अपने रिसेप्टर्स पर जाकर के नहीं जुड़ पाए तो भी रिकेट्स के कारण हो सकते हैं। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। अब बात करेंगे 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 या कोलिकैल्सिफेरॉल की, तो इसका एक्शन क्या होगा, ये कैसे काम करता होगा। तो ये कैल्शियम और फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को GIT से बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये बोन के मिनरलाइजेशन को कम करेगा, मतलब इसके बोन के डिजोल्यूशन को कम करेगा, बोन के मिनरलाइजेशन को बढ़ाएगा। कई बार ये होता है ना कि बोन डिजॉल्व होने लगते हैं, तो उस प्रोसेस को रोकेगा, बोन का मिनरलाइजेशन बढ़ाएगा और इस दौरान रीनल एक्सक्रीशन कम करेगा। यानी ये कोशिश करेगा कि जो भी कैल्शियम हमारे डाइट में है वो एब्जॉर्ब हो, उसका मिनरलाइजेशन हो, और अगर हमारे बॉडी में जो भी कैल्शियम फास्फेट है वो कम से कम रिलीज हो। तो रिकेट्स की प्रॉब्लम क्यों होती है उसको देख लें। एक्चुअली कभी भी हमारे बॉडी में विटामिन D3, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 की कमी हो जाए तो क्या होगा, इसकी वजह से PTH का लेवल बढ़ जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, और इसके कारण आप देखेंगे इस दौरान इसके बढ़ने का सीधा सा असर यह भी रहेगा कि सीरम कैल्शियम लेवल लो होगा। क्यों लो होगा वो सीधे तौर पर आप लिंक कर सकते हैं विटामिन D3 के एक्टिव फॉर्म से। विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म नहीं है तो इसलिए सीरम में कैल्शियम का लेवल लो है, और इसके कारण इसको बढ़ाने के लिए पैराथायराइड हार्मोन काम करता है। तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसके कारण कैल्शियम कम है तो इसको बढ़ाने के लिए पैराथायराइड हार्मोन काम करता है। तो आप देखेंगे पैराथायराइड हार्मोन करेगा क्या, ये रिलीज होकर के अल्टीमेटली जो घटा हुआ अमाउंट होता है कैल्शियम का उसको बढ़ाने का काम करता है। कैसे,
उस चीज को हम देखेंगे। ये कैल्शियम को बोन से रिलीज कराने का प्रयास करेगा। एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि विटामिन डी थ्री नहीं है, उसका लेवल कम है, इसलिए ये बोन से विटामिन डी थ्री नहीं है इसलिए बोन से कैल्शियम को रिलीज कराना शुरू कर देगा। तो इस प्रयास में कौन कौन से ऑप्शंस देखे जा सकते हैं वो हम यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। यह कैल्शियम का लेवल बढ़ाने के लिए कैल्शियम का एक्सक्रीशन बिल्कुल कम कर देगा। इस दौरान चूंकि फ्री कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में रहना चाहिए तो इसीलिए कोशिश करेगा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के हिस्से में कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो, उसका एक्सक्रीशन बिल्कुल ना हो और इस दौरान यह फास्फेट के लेवल को कम करने का प्रयास करेगा। कैसे, उस चीज को समझ लें। आपको पता होगा कि बोन से जब कभी भी रिलीज किया जाएगा तो उस दौरान बोन के डीमिनरलाइजेशन से कैल्शियम फास्फेट दोनों रिलीज होंगे। आप समझ सकते हैं ये कैल्शियम फास्फेट दोनों ही रिलीज होंगे। अब कोशिश यह है कि इसको ब्लड के सीरम में हम बनाए रखें ताकि कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे, और इसको मेंटेन रखने के लिए मुश्किल आ सकता है फास्फेट से, क्योंकि आपने बोन से इसको रिलीज किया है तो ये कंबाइंड फॉर्म में रिलीज हुए हैं तो आगे भी ये कंबाइंड फॉर्म में ही रहना चाहेंगे, तो फ्री कैल्शियम नहीं रह सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप फास्फेट को खत्म कर दें तभी ये फ्री रह सकता है। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए कोशिश करेंगे कि फास्फेट को हम किडनी से एक्सक्रीट कराने वाले प्रोसेस को बढ़ा दें। तो इसी प्रयास में रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट आयंस कम कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब फास्फेट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, एक्सक्रीशन बढ़ा दिया जाएगा और कैल्शियम को सपोर्ट किया जाएगा तो कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आप समझ रखें कि इस पूरी प्रक्रिया का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ पीटीएच की मदद से, पैराथायरॉयड हार्मोन की मदद से, जिसने नॉर्मल कैल्शियम लेवल और उसकी मात्रा को बढ़ा दिया या उसको नॉर्मलाइज कर दिया और उस दौरान फास्फेट को हमारे सीरम में कम कर दिया ताकि कैल्शियम आयंस हमारे सीरम में ज्यादा रहें या मेंटेन रहें। ज्यादा की जरूरत नहीं है यहां, नॉर्मल कैल्शियम आयन चूंकि जो पहले कम थे अब वो मेंटेन्ड हो जाए, फास्फेट का लेवल कम हो जाएगा तभी ये फ्री आयंस आपको फ्री फॉर्म में नजर आएंगे। इस दौरान और भी जब आप बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने ये काम किया लेकिन लगातार अगर आपने डायट्री सपोर्ट नहीं दिया तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म कुछ ही दिनों के लिए काम करता है, लंबे समय तक ये काम नहीं कर सकता। इसलिए एंड स्टेज में आप अल्टीमेटली देखेंगे कि लगातार कंपनसेटरी मैकेनिज्म के काम करते रहने के बावजूद कैल्शियम का लेवल कई बार कम हो जाता है, या फिर अगर नॉर्मल कैल्शियम रहा तो बोन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती क्योंकि बोन को गला गला करके पैराथायरॉयड हार्मोन अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास करता है। और बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे तो सीरम में फास्फेट आयन कम होगा और उस दौरान सीरम अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल हाई होगा, जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि बोन का डीमिनरलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, बोन को डिजॉल्व ज्यादा किया जा रहा है। इस दौरान पीटीएच का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा। तो लंबे समय तक इस तरीके के मैकेनिज्म से बोन कमजोर होते हैं। अब बोन्स कमजोर हो रहे हैं इस बात को कैसे पता लगाया जा सकता है, इसको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की मदद से पता लगाया जा सकता है। आप देखेंगे बोन्स में जब आप लॉन्ग बोन्स के एंडिंग को देखेंगे तो उसकी एक्सरे फाइंडिंग, जैसे लोअर एंड ऑफ रेडियस या अल्ना की जब हम एक्सरे करके चेक करने का प्रयास करते हैं तो उस दौरान वाइडनिंग, इस दौरान फ्रेइंग और कपिंग जैसे आपको स्पेशल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे। यहां पर एक बेहतरीन इमेज के माध्यम से इस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ग्रोथ प्लेट वाइड हो गई है। यहां पर आप देखिए ग्रोथ प्लेट की वाइडनिंग आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी मैं एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी आपको इमेज दिखाऊंगा। यहां पर ग्रोथ प्लेट की वाइडनिंग के साथ ही आप यहां पर देखिए फ्रेइंग है, फ्रेइंग और ये कपिंग, ये स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको रेडियस अल्ना के एंड पर आपको देखने को मिल रहा है। इस दौरान कपिंग ऑफ मेटाफाइसिस, फ्रेइंग ऑफ द एजेस, इस तरीके का आपको एजेस में जो चेंजेस नजर आए थे, वाइडनिंग ऑफ द ऑस्टियोइड टिश्यू, आपको ऑस्टियोइड टिश्यू की वाइडनिंग, और इस दौरान हाइपोमिनरलाइजेशन देखने को मिला था।
यहाँ पर रिकेट्स को दिखाने का प्रयास किया गया है, रिस्ट की रेडियोलॉजिकल फिल्म है, यहाँ कपिंग और फ्रेइंग आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, इसी को मैंने वहां पर बेहतर इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। यहां पर ये कपिंग है और ये फ्रेइंग है, आप देख सकते हैं। इस इमेज में भी हम तुलना कर सकते हैं कि जब विटामिन डी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो जहां ट्रीटमेंट से पहले ग्रोथ प्लेट वाइड थे, अब वो ग्रोथ प्लेट धीरे धीरे उनकी वाइडनेस कम होने लगती है। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ प्लेट यहां ज्यादा वाइड है, यहां पर कम वाइड है। इस तरीके से जो ग्रोथ प्लेट की मोटाई है वो धीरे धीरे ट्रीटमेंट के साथ ही ये कम होने लगेगी। रिकेट्स में एक और फाइंडिंग आपको देखने को मिलता है, वाइडनिंग ऑफ रिप्स एट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, जिसे हम क्लिनिकली रिकेटिक रोजरी कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रेडियोलॉजिकली आप देखेंगे कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पर वाइडनिंग होता है, यहां पर हम देखने को पाते हैं। और ये सभी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रिकेट्स के बारे में बेहतर इवेल्युएशन करने में सपोर्ट करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, लेकिन एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं क्या होता है वाइडनिंग। ये आप देख रहे हैं फ्रेइंग, जो अभी मैंने आपको दिखाया स्क्रैच जैसा कुछ दिखा करके, तो ये वाइडनिंग, फ्रेइंग और कॉपिंग। तो ये कॉपिंग की जो प्रोसेस है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछा जाता है। अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन बोन के कमजोर होने से रिलेटेड है, क्रैनियो टिप्स जो कि अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन है, इसमें सूचर लाइंस पर स्कल की सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है। आप यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल एट सूचर लाइन, जो कि कई और मामलों में प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन रिकेट्स भी इसका एक कारण है। रिकेट्स के अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन में ये शामिल है। क्रेनियो टिप्स जन्म के बाद कई बार देखने को मिलता है, ये सॉफ्टनिंग अराउंड सूचर लाइन देखने को मिलती है, यह कैल्शियम डिफिशियंसी की ओर इशारा करती है। कई बार ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और सिफिलिस के मामलों में भी क्रैनियो टिप्स देखे जाते हैं, लेकिन रिकेट्स का अर्लीएस्ट मैनिफेस्टेशन क्रैनियो टिप्स है। हेड के दूसरे हिस्से में और भी फोकस करें तो क्रैनियो टिप्स के अलावा भी कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे। क्रैनियो टिप्स हमने देखा, फ्रंटल बॉसिंग भी हो सकता है, ऐसे बच्चों में डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेले भी देखने को मिलता है। हेड पर ही आप फोकस करें तो चार फीचर यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, इस दौरान सूचर भी वाइड होते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स रिकेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, डिलेड क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेले, फ्रंटल बॉसिंग, क्रैनियो टिप्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और वाइड सूचर्स, ये सभी के सभी फीचर्स हेड के रीजन में देखा। इसके अलावा यहां डिलेड डेंटिशन के फीचर्स भी होंगे, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना होगा। आईज में देखें तो आईज कैटरैक्ट के फीचर्स मिलेंगे आईज में। जब हम ट्रंक की ओर आएंगे तो ट्रंक में रैकेटिक रोजरी, रैकेटिक रोजरी का क्या मतलब हुआ, बोनी प्रोमिनेंस ओवर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, जिसे रैकेटिक रोजरी कहते हैं। इसके अलावा हैरिसन सल्कस जो कि डायफ्राम के इंसर्शन के करस्पॉन्डिंग नजर आता है, ये भी ट्रंक में हमें देखने को मिलता है। पेक्टस कैरिनेटम मींस पिजन लाइक चेस्ट, पिजन चेस्ट भी इसे कहा जाता है। थोड़ा और नीचे चलें तो यहां पर रिस्ट और एंकल ज्वाइंट्स की वाइडनिंग, स्वेलोइंग यहां पर नजर आएगा, और नी का बोइंग, आप बोइंग ऑफ लेग्स, आप नी के आसपास के हिस्से में देखेंगे तो बोइंग ऑफ लेग्स नजर आएंगे। ये सभी के सभी फाइंडिंग्स सीधे तौर पर रिकेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेग के लेवल पर आप देख सकते हैं यहां पर बोइंग ऑफ लेग्स, यहां एंकल ज्वाइंट्स की वाइडनिंग, और यहां पर आप देख ही रहे हैं जेनुवेरम, जेनुवेलगस जैसी
प्रॉपर्टीज यानी लेग्स का जो डिफॉर्मिटी है वो भी यहां पर एसोसिएटेड होगा। तो इन सभी फीचर्स को हम देखते हुए एक बार इन सभी बातों को रिकॉल कर लेते हैं। क्रैनियोटिप्स जो कि अर्लीस्ट साइन है, इसमें बोन सॉफ्ट होने की वजह से ये प्रेस करने पर पिंग पोंग बॉल लाइक यहां पर हमें सॉफ्टनेस मिलती है, तो इसे क्रैनियोटिप्स कहते हैं। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ी हुई है। फिर मैंने आपको दिखाया था, आप फ्रंटल साइड में देखेंगे तो फ्रंटल बॉसिंग नजर आता है, इसे पेराइटल या फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ फीचर है। फिर आता है जो भी एंटीरियर फॉन्टेनेल या जो भी फॉन्टेनेल होंगे वो ओपन होते हैं, बड़े साइज के होते क्योंकि मिनरलाइजेशन हुआ नहीं। इसके अलावा डिलेड डेंटेशन की प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है, आईज में कैटरैक्ट के फीचर्स होंगे। तो ये सभी के सभी फाइंडिंग मैंने आपको बताया अभी था कि हेड के रीजन में हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखने को मिलते हैं। ट्रंक के रीजन में चलें तो हमें ट्रंक में रैकेटिक रोजरी जिसमें बोनी प्रोमिनेंस ओवर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पर देखने को मिला था, तो ये प्रॉपर्टीज भी हमने देखा। इस दौरान जो बोनी प्रोमिनेंस था उसको मैंने इमेज के माध्यम से दिखाया था किस तरीके से कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पर ये प्रोमिनेंस दिखता है। हैरिसन ग्रूव भी मैंने आपको बताया था, हैरिसन ग्रूव या हैरिसन सल्कस, ये हैरिसन सल्कस कहां पर था, ये करस्पॉन्डिंग टू इंसर्शन ऑफ डायफ्राम हमने इसके बारे में देखा था। इसके अलावा पिजन लाइक चेस्ट भी मैंने बताया था, इसकी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो पिजन लाइक चेस्ट के अलावा और भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे स्पाइन की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर ना होने की वजह से, स्पाइन बहुत मजबूत ना होने की वजह से यहां पर काइफोसिस जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग और स्कोलियोसिस जिसमें लैटरल बेंडिंग होती है, ये प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे लार्डोसिस की प्रॉपर्टीज भी देखी जा सकती है। तो यहां पर लंबर जो कर्व है, कर्वेचर है, उसकी लॉसेस लार्डोसिस के रूप में देखा जा सकता है। काइफोसिस जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग होती है इसको हम लोगों ने देखा है, स्कोलियोसिस में लैटरल बेंडिंग होती है इसके बारे में भी हमें जानकारी है, हम आर्थोपेडिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर उन सारे फीचर्स को एक साथ हम देख सकते हैं, ये नॉर्मल पोस्चर है, ये स्कोलियोसिस है, ये काइफोसिस है और ये लार्डोसिस है। लार्डोसिस का मतलब होता है इनवर्ड कर्व, कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, ऐसा फीमेल्स में देखने को मिलता है क्योंकि यहां प्रेगनेंसी के दौरान खिंचाव बढ़ने की वजह से लार्डोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा हेड में, ट्रंक में, स्पाइन में, अब इसके बाद हम लिम्स पर भी बात करेंगे। लिम्स में क्या इफेक्ट हम लोगों ने इसका देखा, रिस्ट की वाइडनिंग, इसके अलावा बोइंग ऑफ लेग्स की प्रॉपर्टीज देखने को मिला। बोइंग ऑफ लेग्स या नॉक नी जिसे कहते हैं, और जेनुवेरम जेनुवेलगम जैसी प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। यहां पर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं जेनुवेरम को, जेनुवेरम यहां जेनुवेलगम, यहां आप ऐसे समझ सकते हैं गम कहने का मतलब यह हुआ कि ये गम की तरह चिपकने का प्रयास कर रहे हैं, आप ऐसे कोड बना लें। तो यहां पर क्या होगा, जेनुवेलगम में क्या होगा, ये नीज पास पास आ जाती हैं, ये जेनो नार्मम नार्मो एक्सी है, तो ये आप समझ सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन, ये जेनुवेरम जेनुवेलगम, गम मीन्स चिपकना, तो नीज यहां पर आपस में करीब आ जाती हैं। अब इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि रिकेट्स एक बड़ी गंभीर समस्या है जो हमारी बॉडी की बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स को खराब कर देती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट बेहद सिंपल है, जिसकी कमी है उसे पूरा कर दीजिए, यानी विटामिन D3 की कमी है तो उसे पूरा कर दीजिए। तो इसके लिए करते क्या हैं, विटामिन D3 का 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स स्टैट दीजिए और इसमें हम सीधे इंजेक्शन इसका लगा सकते हैं,
6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का इंजेक्शन, या फिर हम दूसरा काम भी कर सकते हैं कि इस 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के 10 डोज के कोर्स में इसे बदल दें। तो इसमें क्या करते हैं, शेषे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का 10 डेज के लिए पेशेंट को कहते हैं कि वो इसे इस्तेमाल करें, या फिर पहला ऑप्शन भी अप्लाई किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं इसमें पेशेंट कितना अप्लाई करेगा भगवान जाने, लेकिन यहां पर वो आपके पास आए, तुरंत आपने उसका इंजेक्शन लगाया, तो इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब आप फॉलोअप करेंगे 4 to 6 वीक के बाद, तो आपको हीलिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे हीलिंग लाइंस दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। तो यहां पर 4 to 6 वीक के बाद जब पेशेंट आपके पास आता है, तो आप उस समय हीलिंग लाइंस ऑफ कैल्सिफिकेशन या फिर व्हाइट लाइन ऑफ फ्रंकल, जो कि कैल्सिफिकेशन के बारे में आइडिया देता है, तो उस व्हाइट लाइन फ्रंकल को हमें एक्सरे की फाइंडिंग में देखना होता है। व्हाइट लाइन इन द जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन एट ग्रोइंग मेटाफाइसिस, तो यहां डेंस जोन जो कि कैल्सिफिकेशन का दिखता है उसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये है व्हाइट लाइन ऑफ फ्रंकल। इसकी प्रेजेंस मिलनी ही मिलनी चाहिए अगर हमने ये ट्रीटमेंट किया है, या पेशेंट ने सही तरीके से 10 डेज तक 60,000 पर डे लेकर के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, तो 4 to 6 वीक्स के बाद ये हीलिंग लाइन या व्हाइट लाइन ऑफ फ्रंकल नजर आना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है, अगर यह नहीं दिखा तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ट्रीटमेंट पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर जो भी हीलिंग के एविडेंसेस हैं वो मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट को एक बार फिर से स्टार्ट करने के लिए कहेंगे। तो अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला 4 to 6 वीक्स के बाद, एक्सरे की फाइंडिंग पहले जैसी है, तो हम फिर से सेम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, 6 लाख यूनिट्स देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या पेशेंट को रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इसे हम विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स कहते हैं, और अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो इसे, यहां पर डिपेंडेंट जो लिखा हुआ ये गलत है, ये रेसिस्टेंट, मैंने गलती से उस समय लिख दिया था, ये रेसिस्टेंट रिकेट्स होना चाहिए। रेस्पॉन्स आ रहा है तो उसे विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स कहेंगे। तो यहां पर हीलिंग हो रहा है, हीलिंग लाइंस मिल रही हैं, इसी आधार पर हम उसे विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स कहते हैं। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन डी डिपेंडेंट, विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स के बारे में, और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे।